ही गाइस, क्या आप भी अपने तन की दुर्गंध से परेशान हैं? क्या उसकी बदबू से आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं? समटाइम तो ऐसा लगता है कि क्या करें। सो गाइस, ऐसे में हमें यूज़ करना चाहिए क्या, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि अपने तन की दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या रोल ऑन और क्या डे स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे आने वाले न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके भी कोई भी पैसे नहीं करते हैं। और प्लीज डू लाइक माय वीडियो। एंड गाइस, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ नीविया डिओड्रेंट। जी हाँ, अभी समर आ चुका है और तन की जो बदबू होती है, जिसको बैड ऑडर कहते हैं, तो उसको हमें हटाने के लिए या उसको नहीं निकलने के लिए आपके बॉडी से क्या करना चाहिए, क्या डिओड्रेंट का इस्तेमाल या फिर सिर्फ डिओड्रेंट या डिओ स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी बातें अपनी वीडियो में बात करेंगे। चलिए, जरूर बातों को अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारी जो बैड ऑर्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो ऑर्डर होते हैं बहुत ज़्यादा स्मेली होती हैं, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल करते हैं। तो गाइज, ऐसे में हमें क्या करना है कि क्या हमें डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या डिओ स्टिक का, मैं आप लोगों को बता। डिओड्रेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, हमारी तन की बैड ऑर्डर होती है उसके साथ मिक्स होके एक बहुत ज़्यादा वियर्ड सी स्मेल आने लगती है, बैड ऑर्डर होने लगता है। तो क्या, तो मिक्स होके वो बैड ऑर्डर की तौर पे हमारी बॉडी पे मतलब निकलने लगती है। तो ऐसे में क्या करना है हमें, ऐसे में सबसे पहले हमें नीविया डिओड्रेंट नेचुरल ग्लो स्मूथ स्किन ये वाला का इस्तेमाल करना है। ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि देख सकते हैं न्यू पैक है, इससे पहले मैं हमेशा वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। मैडम, हर साल मैं सोचती हूँ आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दी जाए, तो मैं इसलिए वीडियो हमेशा बनाते रहती हूँ। प्राइस इसकी है गाइज 240 रुपीज़, 240 रुपये का है। और नीविया नेचुरल ग्लो, ये सॉफ्ट एंड स्मूथ, इसकी जो स्मेल है ना बहुत हल्की सी है, फ्रेग्रेंस जो है बस अपने अंडर आर्म्स में। इसमें आपको 2 से 3 बार इस तरह से पुश करना है, और बहुत सारे लोग इस तरह से डैब भी कर देते हैं, बड़ा सा कुछ भी नहीं, बहुत 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 मतलब भीमी सी स्मेल है, बहुत अच्छी है। बट ये आपकी जो मेन मोटिव है ना, हमें अपनी जो बॉडी की जो ऑर्डर रहती है ना उसको कंट्रोल करना, उसको कवर करना, उसको हटाना, तो इसका इस्तेमाल से आपके डे बाय डे आपकी जो बैड ऑर्डर है ना वो थोड़ा सा ख़त्म होने लगता है, तन की जो दुर्गंध आती है वो ख़त्म होने लगती है। और इसके बाद से आपको आपकी बॉडी से इसी की स्मेल ऑलवेज आने लगेगी, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है गाइस। आप डिओड्रेंट से बहुत अच्छा है कि आप ये डिओड्रेंट डिओ स्टिक यूज़ कीजिए निविया की, और बहुत परफेक्ट है, आपको इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आप मुझे जरूर थैंक यू बोलिएगा। समर से क्या, अभी से स्टार्ट कीजिए इसका इस्तेमाल करना, और इसको डेली बात के बाद आपको इसको इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 बार अपने अंडर आर्म्स में रोल ऑन कर लेना है बस, उसके बाद ज्यादा नहीं। उसके बाद नहाने के बाद आपकी बहुत अच्छी, और उसके बाद आप ऊपर में आप हल्के सी अप्रैल परफ्यूम लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको और भी ज्यादा कुछ स्मेल करना है अच्छा, तो वो आप लगा सकते हैं चाहे जो भी लगाते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको यही इस्तेमाल करना चाहिए। डिओड्रेंट से अच्छा है डिओ स्टिक का इस्तेमाल करना निविया की, और आप चाहे तो वो यार्डली लंदन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट माय चॉइस फर्स्ट निविया ये वाली। आप उसके बाद ही आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं ऑल यूट्यूब फैमिली।